दोस्तों, ज्यादातर लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। हार्ट डिजीज हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इनके जैसे दूसरे रोग आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। अंडे और ऐसे कई फूड्स हैं जो हेल्दी होने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि ये सभी फूड्स हेल्दी होते हैं, लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 mg से भी ज्यादा होती है। जानते हैं ऐसे 5 हेल्दी फूड्स के बारे में जो आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अंडे सबसे हेल्दी फूड्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 50 ग्राम के अंडे में 207 mg कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। हालांकि जब आप अंडे का पीला भाग निकाल देते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। क्लैम, क्रैब और श्रिम्प जैसे शेलफिश यू तो प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन और सेलेनियम जैसे ढेर सारे पोषक तत्वों से भरी हुई होती हैं, लेकिन इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। करीब 85 ग्राम श्रिम्प में 214 mg तक कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होता है। कलेजी, गुर्दे और लिवर जैसे जानवरों का मांस कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ होता है, लेकिन इनमें मौजूद दूसरे पोषक तत्व आपके लिए इन्हें हेल्दी बनाते हैं। बता दें कि 145 mg तक चिकन कलेजी का सेवन आपको 351 किलोग्राम तक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है। हालांकि इसमें एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो काफी हेल्दी होता है। ढेर सारे पोषक तत्वों से संपन्न सार्डिनेस बहुत ही स्वादिष्ट और प्रोटीन का एक रिच सोर्स है, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। बता दें कि 92 ग्राम तक सार्डिन खाने से आपको 131 mg तक कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो कि आपकी नसों में जाकर परेशानी खड़ी कर सकता है। फैट से भरा दही भले ही प्रोटीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बी विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम का एक रिच सोर्स हो, लेकिन इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। एक कप फुल फैट दही में 31.8 ग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपकी नसों के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है।